आगे। दंगल 2019 यानी कुरुक्षेत्र 2019 हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि बेहद खास मौका है और निगाहें सभी की इसी पर टिकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार आखिर कौन मारेगा चौका और किसकी उड़ेगी गिल्ली। तो आज पूछेंगे हम अपने राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से ये सवाल कि आखिर चुने तो उनको क्यों चुने, और जानेंगे सोनीपत का मिजाज कि आखिर किसको चुनने के लिए सोनीपत की जनता है बेकरार। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को मेरे साथ, और जनता के बीच होंगी मेरी सहयोगी ऋतु बिष्ट। बिल्कुल अश्नाज, शुक्रिया आपका। तो मंच सज चुका है और इस मंच की शान असल में होती है जनता। जी हाँ, वो जनता अगर मंच के सामने ना हो तो कह सकते हैं कि नेता का जो मंच बना होता है, जिस योजना को घोषणा करने का यहाँ पर मौका होता है, वो कहीं ना कहीं निराधार हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ योजनाओं का ऐलान करना ही यहाँ पर जनता के सामने होता है? नहीं, जनता के सामने अपनी उपलब्धियों को बताना भी यहाँ पर बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जनता अगर अपने नेता पर विश्वास करती है तभी एक प्रदेश का विकास हो पाता है, एक नेता का विकास हो पाता है। लेकिन कहीं देखें तो वक्त के फेर में ये जो विकास है, ये विश्वास जो है वो खोकर रह जाता है और अंत में लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में कुछ नहीं लगता है। लेकिन क्या कुरुक्षेत्र 2019 में यहाँ की जनता यानी कि सोनीपत की जनता के हाथ में क्या लगा है, ये जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि नेता पहुंच चुके हैं और जनता पहुंच चुकी है, और मेरे साथ आप यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिरकार हमारी जनता के मन में कितने तरह के सवाल हैं और उन सवालों के जवाब आखिरकार कौन देगा, और जवाब जो देगा उनका रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू आशिमा। तो बिल्कुल, हमारे खास मेहमानों का सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं ऋतु। तो बीजेपी से कविता चौधरी है, प्रदेश उपाध्यक्ष है। कविता चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत कविता जी आपका। जेजेपी से अमित बिंदल जो कि जिला उपाध्यक्ष है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अमित जी। तो INLD से कुणाल गिलावर जो कि NLD के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और कांग्रेस से राजेश दहिया किसान प्रकोष्ठ के प्रवक्ता है, और आम आदमी पार्टी से विमल किशोर प्रदेश प्रवक्ता है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जनता से मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से हमारे खास मेहमानों का स्वागत करें। तो बिल्कुल, मौका है, दस्तूर है, और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से ही कर लेते हैं और उनसे ही जान लेते हैं। और सबसे पहले कविता जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि 5 साल का वक्त हो चला है और एक बार फिर से जनता के हाथ में बागडोर है। तो सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि आखिर जनता आपको क्यों चुने। आपने पूछा कि जनता आपको क्यों चुने। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जनसंघ के रूप में पार्टी ने काम किया और 1980 से बीजेपी के रूप में काम कर दिया। जब भी ये बात आई कि भाजपा क्यों, भाजपा पार्टी विद द डिफरेंस, और सब पार्टियों से अलग भारतीय जनता पार्टी, उसका एक कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, एक पारिवारिक, एक समाज को साथ लेकर चलने वाली, एक समाज सेवा करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। मैं 30-35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूं। अगर मैं अपने ऊपर इस बात को चरितार्थ करूं तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन जब हम कुछ लोग भी होते थे तो भी हमारा वही सेवा भाव था। आज भी हम उसी सेवा भाव से काम कर रहे हैं और सारा देश, संसार और प्रांत गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से बिना पर्ची खर्ची और बिना किसी भ्रष्टाचार के 5 वर्षों का शासन किया। मोदी जी ने जो दिया 370 के रूप में आपने देखा। आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी देश के सत्ता के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने राज नहीं किया, हमेशा सेवा भाव से राज किया, और उस सेवा भाव को आप सब ने भी महसूस किया है, आप सबका सहयोग भी मिलता है। दूसरी पार्टियां जब अंदर खाते बैठती हैं तो यही कहती हैं कि कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 370 ने, पुलवामा ने,
किसी भी उसमें देखिए फील्ड में आप, हर जगह मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने झंडे गाड़े हैं, इतना इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल राजेश जी, आपसे भी वही सवाल है कि आखिर जनता आपकी पार्टी को क्यों चुने? जो हमारी बीजेपी की मैडम कविता चौधरी ने जो कहा है जी। उसी संदर्भ में कहता हूँ मैं कि इन्होंने अपनी पार्टी की बहुत उपलब्धि गिनवा ली, लेकिन मुख्य कारण ये है कि जैसे 370 कहा, तो 370 हो या नोटबंदी हो, मोदी ने किसी से राय तक नहीं ली। कोई भी प्रधानमंत्री काम करता है तो अपनी कैबिनेट को वो अपने विश्वास में लेता है, लेकिन मोदी हमारा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो रात को फैसला लेता है, अपने बेडरूम से फैसला लेता है, कैबिनेट से पूछता तक नहीं। नोटबंदी हुई, रिजर्व बैंक का गवर्नर बिल्कुल इस पर भी आएंगे और फाइनेंस मिनिस्टर तक को बिल्कुल सर इस पे भी आएंगे, लेकिन पार्टी के लिए पूछ रहे हैं। पार्टी का, हमारी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया कह रहे हैं, लेकिन जो आजादी के बाद से जो कांग्रेस पार्टी आई उसमें लाल बहादुर शास्त्री को भूल गए। जब हमारे को अनाज की दिक्कत होती थी, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, उसके बाद आज तक हम कभी लड़ाई में नहीं आ रहे किसी देश से, और उसके बाद हमारा जो देश है वो कभी भी अनाज को इम्पोर्ट नहीं करता है। प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं जैसे उसके बाद आए राजीव गांधी जी, जिन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाए, मोबाइल टेक्नोलॉजी लाए, जिसको आज देश यूज कर रहा है। उस राजीव गांधी जी ने अपने टाइम में 3-4 जो कानून, ये सच है कि हम कभी कोई लड़ाई नहीं हारे, लेकिन हरेक लड़ाई कांग्रेस मंच पे मेज पे हरेक लड़ाई हमारे सैनिकों ने जो लड़ाई जीती है कांग्रेस ने हमेशा मेज पे हराया। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, लड़ाई विदेश की लड़ाई होती है, मंच की कोई लड़ाई नहीं होती, ये तो भाईचारा होता है आपस में। मेज की लड़ाई, मेज की लड़ाई, हमारे सैनिकों ने जो हिस्सा जीता कांग्रेस ने मेज पर बैठ के उसको। देखो रहा आपने कहा दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक एक रिएक्शन सभी से ले लेते हैं उनकी पार्टी को लेकर। कुणाल जी आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी बहन कविता जी जो कह रही हैं कि इनकी सरकार ने बहुत सारे काम किए, हमें तो कोई नजर इतनी पार्टी के लिए पहले पहले रिएक्शन रख दीजिए, मतलब उसके बाद मैं बताता हूँ। कविता जी की जो सासू जी है और ससुरे जी है वो भी चौधरी देवलाल के बनाए हुए पेंशन जरूर लेते होंगे। हम धरातल से किसान के छोटे मजदूर के गरीब के छोटे दुकानदार के बेटे हैं, हमारे लिए बस पास की सुविधा भी बहुत जरूरी है, हमारे लिए बेरोजगार गाड़ी बनना भी बहुत जरूरी है। और जो रिएक्शन आपकी पार्टी के लिए, आप सभी की पार्टी के लिए ले रहे हैं, पहले आप अपनी पार्टी के लिए रिएक्शन दे दीजिए, सभी से लेनी है, फिर मौका सभी को। बिल्कुल, ये जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और इतिहास गवाह है। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर थी, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग खुशहाल था। और आज आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, सबसे पहले अगर वैट, आप वैट के बारे में जानते होंगे, वैट लगाने का काम किया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। उस समय प्रदेश के ऊपर केवल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो आज इस बीजेपी की सरकार में 1,60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। हमारी पार्टी सबसे पहले आपका रिएक्शन देंगे विमल जी को, हम शिक्षा के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, हम स्वास्थ्य के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, हम बिजली पानी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। ये बातें नहीं, हमने दिल्ली में करके दिखाया है, बिजली फ्री, पानी फ्री, दवाइयां फ्री, मतलब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिए हैं। तो पे कोई भी पार्टी बात नहीं करती, जबकि ये बुनियादी सुविधाएं हैं, ये लोगों को बरगलाकर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो ये दंगे करवा के हरियाणा को जलवाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और जनता की मूल सुविधाओं को लेकर चुनाव लड़ेगी, और ये काम हमने दिल्ली में करके दिखाया, क्रांति की तरह करके दिखाया, और आगे भी करके दिखाएंगे। सोनीपत की तरह नहीं, यहाँ का मंत्री सरकारी स्कूल की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, सोनीपत की तरह नहीं, यहाँ की जटवाड़ा सरकारी स्कूल की लाइट ना होने के कारण, बिल ना भरने के कारण लाइट काट दी हुई है। ये सोनीपत की बात बता रहा हूँ, 2 साल से हाईवे का काम रुका हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर भी आएंगे, अमित जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं उनकी पार्टी को लेकर। सर आप क्या कहेंगे अपनी पार्टी को लेकर, आखिर जनता आप पे कैसे विश्वास करे? मैं अमित बिंदल, जिला उपाध्यक्ष जनता जनता पार्टी से, सबसे पहले आप सब मीडिया से जनता को
सबको धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अभी कविता जी ने कहा, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, आप मोदी जी के नाम पे, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल दूँ ना, मोदी जी के नाम पे क्यों आप अपना ग्राफ बढ़ा रहे, प्लस कर रहे हो? आपको अपनी बात बताओ ना, आपने क्या किया? आप बार बार मोदी जी कह रहे हो, मोदी जो अच्छा करें अच्छे के साथ है, अगर गलत के साथ नहीं है। सर इस पर भी आएंगे आप अपनी पार्टी के लिए, बता दीजिए। हमारी पार्टी जनता जनता पार्टी, जैसे विकास जी ने कहा, हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। सभी पार्टी ने अपनी अपनी जो राय है वो रखी है कि जनता आखिर कैसे विश्वास करे। मैं आऊंगी आप सभी के पास, लेकिन एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी ऋतु बिष्ट का रुख करती हूँ। जनता से जान लेते, क्योंकि राय तो हमने जान ली है ऋतु, यहाँ पर राजनीतिक नुमाइंदों की, जनता क्या कहती है इस पर? बिल्कुल, जनता क्या कहती है जाना बेहद जरूरी है। देखिए जनता है, लेकिन कुछ पार्टी के नुमाइंदे हैं। देखिए अगर आप शांति से अपने सवालों के जवाब देंगे तो आपकी बात पहुंच जाएगी। अगर आप आवाज उठाएंगे इस तरह से तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। तो शांति से उठाइए, अपनी आवाज उठाइए, ऐसे बुलंदी से उठाइए कि उस सरकार तक पहुंचे जिसका आपको विकास करना है। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए आपकी समस्या क्या है। कांग्रेस तो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस में इतना विश्वास आपको जग गया है? ये विश्वास ये जग गया है, बीजेपी में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, ये वो बीजेपी है। स्टूडेंटों के ऊपर होते हैं, इनका तो एक मंत्री ऐसा है कैप्टन रवि मिन्नू, वो नुकाय बेटियों को यहाँ से दबा ही दो। और कांग्रेस के राज में ऐसा कभी हमें नहीं देखा। विश्वास है पार्टी में, क्योंकि आप पार्टी की बात कर रहे हैं, ऐसी पार्टी कौन सी जिसमें इतना अंदर मनमुटाव चल रहा हो, इतनी लड़ाइयां चल रही हो, उस परिवार में आप कैसे विश्वास कर लेंगे? मनमुटाव तो परिवार में भी हो जाता है, छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए देखते हैं चुनावों में कितनी छोटी बड़ी बातें रह पाती है, यहाँ पर ही जाना जरूरी होगा। आप बताइए आपको क्या लगता है, जो अभी सरकार है राज्य में, क्या कमाल आगे कर पाएगी या फिर अभी सत्तर के जो मुद्दे है ना जी, वो इसके बहुत अच्छे हैं। मोदी के, अमित शाह के, जो हमें ये बढ़िया कर रहे हैं, इन्होंने 370 हटाई, 35 हटाई, और कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये साबित कर दिया, का उदाहरण देना पड़ा पाकिस्तान ने, यूएन के अंदर, अब वो हमारे फेवर की बात कर रहा है। जब एक हमारे राष्ट्र का आदमी है, हमारी राष्ट्रीय सत्र की पार्टी का अध्यक्ष रह चुका, और वो ये कहता है पाकिस्तान के फेवर की बात, तो हमारे लिए तो मरने की बात है। देश कहाँ जाएगा, खड़े में जाएगा? अच्छा अगली बात सुनो, इसने जो अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस के ने ये भी कहा था कुगुरवा, ये इसकी जो है ना राष्ट्रद्रोह की धारा को खत्म करे, तो इससे तो जो है ना ये राष्ट्रद्रोही और ज्यादा पनपेंगे। जब राष्ट्रद्रोह की धारा को वो खत्म करने के लिए आमादा है तो देश बचा नहीं सकता है। सोच सकते हैं ये वो होते हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो पार्टी है वो अपना कभी भी स्टैंड ना यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाएगा, और उसी मसले को लेकर कह सकते हैं जनता अब अपनी आवाज को उठा रही है, कह रही है कि आखिर क्या बात है कि इस तरह के मसले को लेकर कांग्रेस अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रही है। आप बताइए कांग्रेस के बारे में। देखिए जी, मेरा सवाल तो सबसे पहले कविता, देखिए कांग्रेस को ही हम यहाँ पर नहीं आए हैं, हम हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि 5 साल सरकार को बीत गई, बीजेपी की सरकार है, आगे क्या होगा, किस पार्टी पर आप विश्वास जता रहे हैं? देखो मैम, सबसे पहले तो हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे सबसे पहले, क्योंकि सत्ता पक्ष में बीजेपी है। जैसे कभी अभी कुणाल जी बोल रहे थे, विमल किशोर जी बोल रहे थे, बार बार कविता जी बोल रही थी उनको कि आप मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उन्हीं के बारे में बोला जाता है जो सत्ता में है। और मैं सोनीपत के होने के नाते सोनीपत की बात, मेरे बारे में मीन बीजेपी के बारे में बात कीजिए ना, पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? अगर मैं आपका नाम लेकर अटैक करूंगी तो आप अभी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो आप अपनी पार्टी को कर रही हैं, इसको आप अपना अपनी तरफ से ना लें, ये पार्टी के लिए है। कविता जी काफी एक्साइटेड है, उनसे एक बार जान लेते हैं, क्योंकि 5 साल का वक्त चला है। कविता जी, 5 उपलब्धियां सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। हमने उन गरीब बच्चों को नौकरी दी जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम नौकरी रख सकते। हेलो, 5 साल जेल लिए, 5 दिन और जेल लो, कोई बात नहीं। राजनीतिक दलों के नुमाइंदे बुलाए हैं,
रखा जाती है। पहले सुन तो लीजिए कि उन्होंने क्या उपलब्धियां दी हैं, उनको पता है कि नहीं, बताइए कविता जी। नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है जी, जो इनके संस्कार है वो तो दिखाएंगे ना। बिल्कुल कविता जी, आप जिनके जो संस्कार है वो तो दिखेंगे ना। चलिए कविता जी, आप कंटिन्यू करें, संयमता का परिचय देते प्रधानमंत्री मोदी, आप भी संयमता का परिचय दीजिए, आप अपनी बात रखिए। हम लोग हम लोगों ने समान विकास किया जहां पे हमारे विधायक नहीं थे, हमने उतनी ही ईमानदारी से उस क्षेत्र का भी विकास किया जिस क्षेत्र में हमारे हमारे विधायक जीत गया, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। एक मिनट, मेरी सांसद उपलब्धियां तो गिन रही, जब बोल रही नहीं देगा फिर हमें खड़ा क्यों कर रखा है भाई। बिल्कुल कविता जी, आप संयम पर सुन लो, सुन लो, हमें भी पता लग जाएगा जी, पांच उपलब्धियां कह रही है, सुन लो एक बार सारे, तो सुन लो, आपको भी मौका मिलेगा। देखिए एक बार मैं आप सभी से प्रार्थना कर रही हूँ, और आप लोगों के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जनता से जानेंगे हम, लेकिन आपकी जो सत्ता में रही है सरकार, उनके नुमाइंदे पांच उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। पहले आप सुन तो लीजिए, सवाल आप उठाइएगा, जवाब भी आपको मिलेगा। कविता जी, अब आपको कोई बीच में नहीं रोकेगा, सेम बरतते हुए आप अपनी बात रख सकती हैं। हमने बिना पर्ची और खर्ची के हमने युवाओं को नौकरी दी, हमने स्किल डेवलपमेंट के तहत न केवल नौकरियां दी बल्कि उनको अपना रोजगार स्थापित करने के लिए उनको ज्ञान भी दिया, उनका उत्साहवर्धन भी दिया, उनको लोन भी दिया। हमने समान विकास किया जहां हमारे विधायक नहीं थे वहां भी हमने, जब कांग्रेस से जब भजनलाल जी की सरकार आई तो उन्होंने आदमपुर को चमका दिया, बंसीलाल की सरकार आई उन्होंने भिवानी को चमका दिया, भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बने तो उन्होंने रोहतक को चमका दिया, लेकिन मनोहर लाल जी केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 90 की 90 विधानसभाओं में बराबर काम किया। हमने ताजा ताजा हिसार में हवाई अड्डा बनाया, हवाई अड्डे हरियाणा में कोई भी ऐसा वो नहीं था। अभी अभी मैं आपको ताजा उदाहरण देती हूँ कि कलर्कों की भर्ती हुई थी 2013 में खानपुर में, खानपुर में अभी भर्ती हुई थी कांग्रेस की गवर्नमेंट में और उसपे रिट हो गई थी। और उपलब्धियां पूछो नहीं, ये तो कांग्रेस की और दूसरी पार्टी की कमी है, एक बार उपलब्धियों का सेशन है, ये उपलब्धियां पांच उपलब्धियां, अगर आज बीजेपी का प्रतिनिधित्व हो गया इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। गांव में 24 घंटे बिजली गई है, शहर में भी नहीं बिजली गई। सुनो, लेकिन वहां जी बीजेपी ये बात कर रहे हैं, एमन सुनो भाई, सारे सुनो, ये बात कर रहे हैं जहां इनका विधायक नहीं वहां भी विकास हुए, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ का मंत्री होने के बाद शहर की विकास की बात करते हैं। पूरा हाईवे 2 साल से बंद पड़ा है, टोल लगा दिया, ठीक है, पूरे शहर के अंदर आवारा पशु गाय नंदी ऐसे घूम रहे हैं, सड़कों में इतने खड्डे हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 25 लाख रुपए 1382 पशुओं पर खर्च किए जा रहे हैं हर महीने, तो कौन खा रहे है? इससे भ्रष्ट मंत्री शहर का नहीं हो सकता। सरकारी स्कूल की सुनो भाई साहब, पूरी बात सुनो, बोला तो सरकारी स्कूल की 2.5 एकड़ जमीन कब जा गया ये मंत्री, और सुनो ये सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की बात कर रहे हैं, चटवाड़ा के अंदर सरकारी स्कूल में बिजली का बिल ना भरने के कारण बिजली काट दी है, जहां जहां मंत्री गए हैं वहां वहां सड़कें बनाई हैं, बाकी सड़कें सारी टूटी हुई हैं, और ये हरियाणा हमारा दूध दही का खाना होता था, ये मंत्री इतनी मंत्री लेता है कि हर गली में नशाखोरी हो रही है, नशा बिक रहा है, शराब बिक रही है, अफीम बिक रही है, ये सोनीपत की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ का मंत्री है, और ये बात कर रहे हैं कि हम जहाँ विधायक और बीजेपी का वहां भी विकास कर रहे हैं, मतलब इतना झूठ, ये पहले इन्होंने खुद ही कह दिया था, इन्होंने ये फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये 370 के नाम पे वोट मांगेंगे, ये फौजियों की अपमान करते, फौजियों की ड्रेस पहन के, फौजी का ड्रेस उसका कफन होता है, अभी तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार आई नहीं है, तब के तब के लोग पहन के वोट मांगते हैं, नेताओं के नाम पर वोट मांगते हैं लोग। सुनो विमल जी, विमल जी, 30 लाख विमल जी, अब एक बात आपको भी सुननी पड़ेगी, आप सिर्फ सुनाने के लिए ना आए, सुनने के लिए जनता है, अगर आपके मन में
में इतने सवाल हैं, अगर जनता के मन में इतने सवाल हैं, लोकसभा का भी तो चुनाव भी था, उसमें क्या हुआ? वही वही बात क्या नतीजे थे? बिल्कुल वही बात मैं बताने जा रहा हूँ। सुनो ना, आपकी बात सुनिए, इस देश के अंदर जनता समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे कृपा होगी वो भी एक बार मान लेते हैं, एक बार ही मानते हैं, दूसरी बार नहीं मानते हैं लोग। इन्होंने क्या किया, पुलवामा अटैक के नाम पे, शहीदों के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे वोट बटोरे हैं। इन्होंने विकास किया होता तो विकास के नाम पे वोट मांगो ना, रोजगार के नाम पे वोट मांगो, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांगो, चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल आप बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। आतंकन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। तो चलिए एक बार फिर से रुख जनता ही के कर लेते हैं, क्योंकि जनता के मन में इतने सवाल है यहाँ पर, और उनका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं नेता देने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप बताइए सवाल क्या है आपका? मैं ये कहना चाहूंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों इन्होंने खत्म कर रखे हैं। सुरक्षा के नाम पे हम खट्टर साहब को मिलने गए, 158 एके मूवमेंट पे लेके हमारे साथियों पे लाठी चार्ज किया गया, लाठी चार्ज की हड्डियां भी तोड़ी गई। और स्वास्थ्य के नाम पे जगह जगह कॉलोनी में देखो सीवर जाम, सड़कें टूटी हुई, ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और शिक्षा की बात करो तो 900 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं इन्होंने, 900 सरकारी स्कूल, बीजेपी ने रिकॉर्ड है, बेशक चेक कर लो, 900 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। और सबसे बड़ी बात, सोनीपत के स्कूल में इन्होंने बेच के प्राइवेटाइजेशन को दे दिया सरकारी स्कूल को। ये बात कर रहे हैं जीतने की, ये बात कर रहे हैं हमने काम किया है, और बात कर रहे हैं 370 की। 370 में एक बार बताओ कौन गरीब बंदा है जो 370 में वहां पे पूंजी खरीदेगा? बता दो ना, 370 में कौन है, कौन खरीदेगा, किसके पास पैसा है खरीदने के लिए बता दो। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे जी। आप बताइए मैम, बीजेपी कह रहे कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी। मनोहर लाल खट्टर ने जब यहाँ पे मैनिफेस्टो लेके आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 लाख रोजगार देंगे। नौकरी के लिए अप्लाई किया? नौकरी के लिए बिल्कुल अप्लाई किया था मैम, टेस्ट भी देते हैं, वो चीज़ अलग बैठे पर। लेकिन उन्होंने अब तक 2 लाख रुपए, 2 लाख नौकरी हर साल कह रहे थे मैम, लेकिन 5 साल होने गए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने खुद अपने मुँह से कहा है कि 69,000 नौकरियाँ दी हैं, तो एक तरीके से 10 लाख नौकरियां देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 69,000 दी। और बीजेपी जो कह रही थी कि बिना खर्चे, मैं कहता हूँ अभी अभी का ताजा मामला है, हमारे बड़ोली गाँव है, यहाँ पे एक फोर्ट ग्रुप डी के 1.5 करोड़ रुपए लेके भागा था, जो नौकरी लेके उस बंदे को मार दिया गया था, जो नौकरी के पैसे लेके भागा था। यहाँ के जो मंत्री है साफ साफ उसका नुमाइंदा था, उसका नाम आया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं है। आप बताइए आपका कोई सवाल है? सारे सवाल है, सारे जो एक भी बात नहीं, सारे खाते कोई सा काम दे दो। रोड था, ये भी बनाया था चली वाला रोड, गीता में उनका बना दिया, वहां से उठा दिया, एक रोड पर आए हो तो अभी तक बंद पड़ा है। 90 लाख रुपए का ठेका है, जरा से टुकड़े का। तो पार्टियों को लेकर कितना गुस्सा लोगों के मन में, ये जान सकते हैं, इनसे पूछे थे। आप बताइए, बहुत देर से आप खड़ा करें, कई सवाल हैं आपके मन में। मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ, आज तक इतना का बोझ है कि 5 रुपये देने क्यों आई है? मैं गणवाता हूँ, शायद मैडम भूल गई होगी, इन्हें जब आया था इन्हें सबसे पहला 2016 में भाईचारा खराब कराया, नंबर 1। और नंबर 2 जो अपने आशा वर्कर है और ये जो आंगनबाड़ी है, इनके ऊपर लाठीचार्ज करी। चलिए चलिए, यानी कि बहुत सारे सवाल हैं। और कविता जी आप बोल दीजिएगा, सुना होगा आपने लोगों को यहाँ पर, लोगों के जो सवाल है वो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शहर से जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपको चुना गया है। 6 विधानसभा क्षेत्र है, 5 में आप देखिए तो कांग्रेस है, 1 में इकलौते आप लोग आए हैं, और अगर वहां पर इस तरह से जनता को इतनी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो आगे का वक्त तो आपको खुद पता चल जाएगा। या आपको लगता है कि ये लोग जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं इन लोगों को केवल हुड़दंग करना है, इन लोगों को जवाब सुनना है। 2016 में ये कह रहे हैं इन्होंने, जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ और बिल्कुल सरकार की नाक से, एक मिनट रुकना चाहूंगा, दरख्वास्त है आपसे, अगर आप सोनीपत की यहाँ पर बात करें
हमें धारा 370 नहीं चाहिए। देखा है किस तरह से यहाँ पर मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं, जवानों के शौर्य को भी देखा है हमने। लेकिन आप प्लीज अगर सोनीपत का जिक्र करेंगे, क्योंकि चुनाव तो आने वाले वक्त में यहीं पे है ना, सोनीपत में जो पार्क जो एक्सरसाइजर आज के दिन लगे हुए हैं, वो कभी पहले देखे थे क्या जनता ने? बेरोजगारी टेस्ट पास किया क्या किसी ने? सड़कें टूटी हुई है, सीवर जाम, उसके बारे में बता दीजिए। विमल जी, मैं आपके बीच में निपुण रही, कृपया सुनने के भी आदेश डाले, कृपया सुनने के भी आदेश डाले, आप सुनो तो सही ना। आप लोगों से जवाब लेंगे, हम सिर्फ इन तीन मुद्दों में बता दूं, कांग्रेस से भी काफी उम्मीदें हैं। जितनी जितने पार्क, जितनी सड़कें, जितना रेन वाटर का पानी भाजपा ने जितना इंतजाम किया, इतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था हरियाणा। जी गले को थोड़ा आराम दीजिए, विमल जी आप भी आराम दीजिए, मैं कांग्रेस के पास फिर अमित जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले आपसे यही सवाल है, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कहाँ? क्योंकि अगर मनोहर लाल की बात करें, सीएम मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, सोनीपत की बात करें तो बरोदा अगवाना वो ये नाप चुके हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की तरफ से कोई आक्रामक कैंपेन नहीं है, क्या वजह? मैडम जी, 1977 में जो पार्टी बनी थी वो सिर्फ 15 दिन में बनी थी। कांग्रेस जो पार्टी बैठी है वो भी लोगों को देख रही है कौन आदमी कहाँ भाग रहा है, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो भी भाग के कांग्रेस में आएंगे, तो इसलिए कांग्रेस अपने आप शांति से बैठी है। फूट का शिकार हो रही है? नहीं, फूट का कोई शिकार नहीं मैडम, अपनी राजनीति तैयार कर रहे हैं, आंध्र के पानी तैयार कर रहे हैं। सीएम का जो दावेदार है वो भी आप पूरी तरह, सीएम का दावा उसी बात में मैं आपके आ रहा हूँ। बीजेपी में बनता है ऊपर से, जैसे कि हमारे पंच और सरपंच तो बन गए 12वीं पास, और जो मुख्यमंत्री, जैसे उन साहब ने कहा कि बीजेपी ने लाया है कि वो देश द्रोह कानून, उसको कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की, नंबर एक ये उठा क्वेश्चन हमारी जनता ने। हमें कहते हैं कि जब लेडीज ये एलिगेशन लगाते थी, इस आदमी ने मुझे छेड़ दिया, और उसमें पुलिस उसको एफआईआर दर्ज कर अंदर कर देती थी, तो कांग्रेस ने करके और सुप्रीम कोर्ट से कानून पास कराया कि जब तक आप उसको तफ्तीश पूरी नहीं करोगे किसी आदमी को छेड़ोगे नहीं। अब अगर मोदी जी अमित शाह ने ऐसा कानून बना दिया कि देशद्रोह में इसको उठाया, गिरफ्तार पकड़ के देशद्रोह डाल दिया, आप क्या कर लोगे? कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण जो कानून था उसमें कुछ कमियां थी, जिस आदमी ने अपनी जमीन उठाई के पैसे नहीं उठाए थे, कब्जा नहीं दिया था उसको, आरोप तो कांग्रेस पर अपने आप ही लग रहे हैं। कांग्रेस पर कहां लग रहे हैं मैडम, वो कुछ एजेंट हैं जो बीजेपी के कांग्रेस में बैठे हुए हैं। कौन है वो एजेंट? हमारा जो देश है जी, जैसे आप सोनीपत लगा लो जी, मैं सोनीपत से 55 से बिलोंग कर रहा हूँ, मतलब 64 ईयर्स मैं सोनीपत दे रहा हूँ, तो यहाँ नेता कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी का हो, सोनीपत का आज तक कोई विकास नहीं किया, चाहे वो आप किसी पार्टी का लगा लो। सोनीपत का कोई विकास नहीं किया है? सोनीपत किसी ने कुछ नहीं किया, हम तो ये कह रहे हैं ना, सोनीपत का विकास किसी ने नहीं किया। कुणाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आएंगे, आएंगे अगर हम जनता हमारे बोल रहे हैं कांग्रेस से नहीं ये किया वो किया। मैडम एक बात ये भी सच्चाई है, अगर कांग्रेस इतने घोटाले नहीं करती तो बीजेपी वालों का नंबर ही नहीं आता, ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और वो चुनाव था नरेंद्र मोदी वर्सेज पप्पू, और ये चुनाव है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वर्सेज खट्टर। और जहां तक बात करूं मैं मैडम को भी बताना, कहीं ना कहीं मौका तो आपकी पार्टी ने भी दे दिया बीजेपी को। देखो हमने कोई मौका बीजेपी को नहीं दिया, बीजेपी कांग्रेस की नीतियों पर चली है, फूट डालो राज करो। आप किसी भी क्षेत्रीय दल की बात करो, लालू के परिवार को तोड़ने का काम बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया। आप मुलायम सिंह यादव की बात करो, मुलायम सिंह यादव के परिवार को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया। चौटाला साहब का जो परिवार है, हमें इस बात का पूरा पूरा संदेह है, इसमें भी आरएसएस का पूरा पूरा हाथ है। लेकिन क्योंकि अगर किसी के घर को उजाड़ना हो तो उसके जो बच्चे होते ना उनको बहला लो फुसला लो, उनको अच्छी अच्छी चीजें खिलाने लग जाओ। अमित जी से ले लेते हैं, अमित जी क्या वाकई बहला? लेकिन दुष्यंत जी तो कह रहे हैं कि अभय चौटाला बीजेपी से मिला हुआ है, अभय चौटाला कह रहा है दुष्यंत मिला हुआ है, पहले फैसला नहीं कर लो। बिल्कुल दुष्यंत जी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कविता जी अमित जी से लेंगे जवाब। कुणाल जी का कहना है कि बच्चों को बहला फुसला दिया जाता है, एक ये सवाल है, लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी है, क्योंकि ये आरोप लगते रहे कि जो पोता दादा का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, इसका जवाब दे दीजिए, फिर कुणाल जी की बात का जवाब। यहाँ पर सब पार्टियां एक दूसरे पे कटाक्ष कर रही हैं जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, सोनीपत का रहने वाला हूँ और सोनीपत की बात करता हूँ, ये मुद्दे उठाते हैं देश के हरियाणा के
सोनीपत के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? हम यहाँ आज बहस के लिए बैठे हैं सोनीपत के लिए। आप बात करते हो हिंदुस्तान पाकिस्तान की, बात करते हो हरियाणा की, अरे जवाब तो दे दो सोनीपत का भी। पार्क सोनीपत में ही बने हुए हैं। मैडम जी पहले सोनीपत का नाम जवाब तो दे दो, आगे की बात ही पूछ लेंगे। आप सोनीपत का जवाब तो दे दो एक बार। यहाँ पर रेन वाटर का पानी भी सोनीपत में ही आया है, सड़क भी सोनीपत में बनी है और जो बड़े शिवरेज डले हैं वो भी सोनीपत में ही डले हैं। बिल्कुल ये नारा भी आपका ही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जवाब दे दो। आपका तो मतलब ये है पहले बेटी बचा दो तभी तो बेटी पढ़ाओ। अभूतपूर्व वृद्धि हुई है बेटियों की संख्या में 7,500 जनता पार्टी की सरकार ये कर सकती है, बीजेपी पिछले 5 साल के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है बता दो। ठीक है आपको पता नहीं क्या साथियों? बिल्कुल पेपर चौधरी को पास करना, पेपर तो आप लोगों को ही पास करना पड़ेगा। हम बढ़ा दिया आप लोगों ने, नो पेपर आउट है, नो पेपर, नौकरी नहीं मिलेगी। हरियाणा के अंदर और करंट के अंदर सोनीपत के अंदर का पेपर आउट है दीदी, उसके बाद का पेपर आउट हुआ, यहां तक का एचसीएस और जुबली साथ बगी हुई है, अगर आउट है। बात करते हैं भ्रष्टाचार मिटाने के, जिस सरकार के अंदर नो पेपर आउट है और कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप देखिए कि अगर आप इस तरह से चीजें करेंगे तो जनता पर क्या असर होगा, जनता तो अपनी बात रख ही नहीं पाएगी। आप एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि जनता को भी समझ में आए आप क्या कहना चाह रहे हैं। विमल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कह रहा हूँ जो 5 मुद्दे इन्होंने गिनवाए हैं, ये कह रहे हैं बिना पैसे के नौकरियां लगवाई। अभी ये जनता से आवाज उठी थी मेरे को ध्यान आ गया है, बड़ोली गांव के पशु चिकित्सक राकेश हत्याकांड में 1.5 करोड़ रुपए मंत्री के चहेते ने नौकरी के नाम पे लिए, मंत्री के नाम पे, उसको आज 9 महीने होने जा रहे हैं, आज तक डेड बॉडी नहीं मिली। जब मंत्री जी से दिखा दो हम उसका इलाज करते हैं। ये मेरा वीडियो है अगर कोई देखना चाहे तो, वीडियो तो आजकल वीडियो है उसमें लिख मत सुनो मैडम, आप प्लीज सुनो उस मीडिया वीडियो में, ये जब मंत्री से पूछा होगा इस बारे में तो कन्नी काट के चले गए। अरे सीबीआई जब चिदंबरम के खिलाफ जांच कर सकती है, 9 महीने से हम एक ही तो बात कर रहे हैं, मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच कीजिए, 1.5 करोड़ का घोटाला है, 1.5 करोड़ रुपए नौकरियों के नाम पे जांच नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा? जांच की बात कर रहे हैं हम, जांच करनी नहीं, करोड़ों की संपत्ति बना ली, जांच करनी नहीं। पूरे शहर के अंदर जनता कॉलोनी कबीरपुर के अंदर पिछले 5 साल से सीवर जाम है। विमल जी क्लियर नहीं, क्लियर कविता जी के पास व्हाट्सएप कर दो वीडियो। बिल्कुल मेरे ये वीडियो की है, वीडियो सुनो मेरे पास, प्लीज वीडियो एडिट भी होते हैं, देखिए जनता की तो बात सुन ली, बीजेपी का मीडिया सेंटर सबसे एडिट करने में माहिर है। प्लीज आप जनता के मुद्दों की बात सुन लो, शहर के अंदर 25 लाख रुपए अवारा पशुओं पे खर्च किए जा रहे हैं और जबकि अवारा पशु पूरे शहर में, इसका जवाब ले लेते हैं कविता। बिल्कुल, और एक बात और मैडम, 45 करोड़ रुपए गोसेवा आयोग के नाम पे हर साल खर्च हो, 45 करोड़ रुपए जिसका पहले 30 लाख बजट था। ये आरटीआई में खुलासा हुआ अपनी तरफ से बिना तर्क के, विमल किशोर कोई बात नहीं करता जी, आरटीआई में खुलासा हुआ है। 2 सवाल दागे हैं कि मवेशी एक बहुत बड़ा समस्या यहाँ पर है, उसके चलते हादसे होते हैं, लोगों को परेशानी होती है। दूसरा सवाल उन्होंने दागा है, इन दोनों ही सवालों के जवाब आपसे चाहती है जनता भी और आप अपनी विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि सरकार को चलने के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए जी, हमें आज तक वो विपक्ष दिखाई नहीं दिया। ठीक है विपक्ष, एक मिनट, सोनीपत के अंदर जितने आंदोलन हुए हैं ना कहीं नहीं हुए, मेरी बात सुनो, सी और बिजली पानी के बोलने नहीं देते थे आप, नोटिस पे नोटिस, जो बोलता है उसी के घर पे नोटिस। नहीं विपक्ष की तो आप रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हो, विपक्ष वालों को जेलों में डालते हो आप। विपक्ष का काम उसका जवाब भी देना आप, नहीं जो जवाब मांगा वो जवाब नहीं देना ना, सुनने में आवारा पशुओं गाय बैल पे जवाब मांगा है, सुनिए मेरी बात, 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हर महीने, आज भी विपक्ष 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हर महीने उसके बारे में बताओ, शहर में गाय और बैल कहां घूम रहे हैं? मैं उसी पे आ रही हूँ आप सुनिएगा, आज भी विपक्ष के रूप में, जबकि विपक्ष को जब सरकार को ही चलती है तो विपक्ष को सड़कों पे होना चाहिए ना, गाय बैल घूम रहे हैं, लेकिन आज भी मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं। आशीर्वाद किस नाम का ले रहे हैं? आशीर्वाद यात्रा में आए हैं, मैडम कविता जैन पास देखो आप रोज हो, एक सवाल का जवाब नहीं ले भाई मैडम, आप ₹1 लाख खर्च हो रहे हैं गौशालाओं के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाओं के लिए किया और जो कर रही है वो आज तक ना किसी पार्टी ने किया, सारा का सारा पैसा मंत्री खा रहा है, कोई मंत्री नहीं खा रहा है, आपका सलाह महिला आपका विचार।
पर्सनल हरास है जो आप उन पे निकाल रहे हो। लीजिए इनसे पूछिए तो वजह क्या है, वो वजह बता रहे, आप सुनेंगे? खर्च करा। विपक्ष आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जो जवाब है कविता जी उसको स्पष्ट आप जवाब। अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत है तो धरने प्रदर्शन हमने भी किए, ये भी करने के लिए खुले हमने प्रदर्शन करता वो जेलों में आ रही है लोग। एक व्यक्ति बताइए, की जनता ने सरकार में एक मंत्री को दिया है और मंत्री जी ने ऐसा विकास कराया, सोनीपत रे खजूर नहीं चाहिए थे, सोनीपत ने विकास चाहिए था। अगर उस पैसे का मिट्टी डलवाते तो बाईपास की मिट्टी डल। कविता जी जरूर सुनिएगा, इसका सवाल दीजिएगा। खजूर नहीं चाहिए सोनीपत ने, मैंने अभी तक सवाल उठा नहीं, वो जवाब नहीं मिला अभी तक उसका। शिक्षा ये चाहिए, वो जवाब नहीं मिला अभी तक। कैसे लेके आए वो कंपनियां, क्या वो फैक्ट्रियां कहां है, जवाब नहीं दिया अभी तक इन्होंने। अमित जी मुझे पता है आप में बहुत हुंकार है आज भरने की, आपके सवाल करने का जवाब तो लूंगा ना उसका। आप शांत रहेंगे तो सवाल लिए जाएंगे, आपसे भी जवाब पूछे जाएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ जवाब का, जो मैंने सवाल किया है। तो आप अभी शांत रहिएगा।
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, तब से लेकर के आज तक इन राजनीतिक पार्टियों ने हरियाणा का दोहन किया है, कुछ नहीं किया है। अभी मैं इनेलो से सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ने कहा कि चौटाला वर्सेस खट्टर चुनाव होना है, एक सजा याप्ता इंसान कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है? दूसरी बात, भाई साहब मेरे सवाल सुनिए, हम आपको काफी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं हम। ये जनता हिंदुस्तान की आप लोगों को बर्दाश्त करती आई है, और आपके मुख्यमंत्री, आपकी जो नींव चली थी, चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं चौटाला साहब, और अब आपकी नई जनरेशन स्टार्ट होगी मुख्यमंत्री बनने के लिए। हम जनता के बीच में से कोई आदमी कैसे आएगा? आप उठने ही नहीं देते, आपके घर में झगड़ा हो जाए तो आप अपनी अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं, हमारे अंदर से कौन उठ के आएगा? बिल्कुल बात का है। दूसरी बात, आप SYL की बात करें, आप SYL की फुल फॉर्म बता दो, SYL का पानी लेके कैसे आओगे? सतलुज यमुना लिंक नहर, अच्छे से नोट कर लो, कागज और पेन लेके, सतलुज यमुना लिंक नहर। और आपको यह भी पता होना चाहिए उस नहर के लिए चौधरी देवीलाल ने ही परिवार 1 करोड़ पंजाब सरकार को दिए थे, और आपको यह भी पता होना चाहिए उसमें मुख्यमंत्री की वजह से वो नहर रुकी थी। मुख्यमंत्री आपको यह भी पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार की वजह से आज हम कोर्ट के राह ही कुछ हैं, आज SYL नहर का पानी आपकी सरकार की वजह से और कांग्रेस सरकार की वजह से रुका है। जवाब देने की हिम्मत नहीं है, नहीं आप तो आप सुनो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। कुणाल जी, शिष्टाचार नहीं है, इस तरह से नहीं आप करेंगे। अब जवाब दूंगा, बिल्कुल एक सवाल का जवाब दूंगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत रहिए आप अभी प्लीज। साथियों, इनको सुनने के एक एक बात का जवाब दूंगा मैं, अब ये बैठ जाएंगे, सुनेंगे नहीं। पहले आपको संयमता बरतनी चाहिए, शिष्टाचार से आपको पहले सवाल सुनने चाहिए, उसके बाद जवाब। सवाल मैंने सुनिए, SYL के फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, इतनी देर से जनता अगर आपको सुन रही है तो आपका फर्ज नहीं बनता उनको। चलो आप और सवालों, मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैडम, पूछो। आप शांत रहिएगा, एकदम आप आराम से जनता की बात सुनिएगा, उनके सवाल क्या है ये सुनिएगा, उसके बाद एक एक करके जवाब दीजिएगा। बताइए आपका क्या है? आज आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम 75 पार करेंगे, 75 पार करेंगे। आप 75 पार करने का सपना छोड़ दो और हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव करा लो, आपका 75 पार का बहन तो एक अकेले 300 निकाल देगी। और दूसरी बात, आप सब पहले अपने परिवार को तो इकट्ठा कर ले। आप परिवार की बात करते हो, जिनके खुद के बहन ही हो रहे, जो भी युवा छोटे होंगे वोट आप लोगों ने देने हैं, और 10 की 10 लेके आए हैं, और अकेले 75 पार नहीं, 90 पार दिखाऊंगी मैं आपको, 90 के 90। कोई एक बात सुन लो ध्यान से थोड़ा, आप सवाल बोलिए। ऐसा है, कांग्रेस सरकार से और इन तो पार्टी के जेजेपी पार्टी के जो साथी हैं, इनसे एक बात करता हूँ, ये पिछले 20 सालों से हाय किसान किसान की कदे पेंशन नहीं बढ़ाई, मनोहर लाल खट्टर जी ने 3,000 रुपए पेंशन कर दी, बीजेपी के अनुशासनहीनता
ये कैमरे तो आप बीजेपी के साथी ऐसे अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं चलेगी, सारी जनता देख रही है। आप एक बार जवाब सुनो, हमारे पास में आज सारी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, बीजेपी एक भी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी है। अगर साथी मेरे ख्याल से है तो बाहर नहीं पड़ती है, अगर नहीं चली जाते बिल्कुल एक्स वाई एल के मुद्दे पे बोल रहा हूँ। एक्स वाई एल के अंदर पांच दिन के अंदर हमारे अभय चोपड़ा जी और सारे विधायकों ने पांच दिन तक जेल काटने का काम किया, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने किया और किसी साथी ने सड़क पर उतरने का भी काम नहीं किया। अगर संसद के आगे जाकर हमने वहां पर हमारे ऊपर गोलियां भी चल सकती थी। आज तक का इतिहास है, अगर संसद भवन के पास किसी ने बैरिकेड तोड़कर और संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया तो वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। अगर अंबाला के अंदर लालडू के अंदर अगर किसी ने जीटी रोड, क्योंकि जीटी रोड और रेल बहुत कम ही जाम होती है, जाट आरक्षण में तो हुई थी, अगर जीटी रोड उसके अलावा अगर किसी ने जाम किया तो अभी हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मेरे साथी प्लीज आप गूगल पे सर्च कर लो, ये तो एसवाईएल की बात है। 1 करोड़ रुपए जननायक चौधरी देवीलाल जी ने देने का काम किया, अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि उस समय पर एसवाईएल का मुद्दा कोर्ट के अंदर अधीन था, आज कोर्ट की तरफ से भी हम केस जीत चुके हैं, आज बीजेपी सरकार है। सबसे और बड़ा मुद्दा, मेन मुद्दा है बेरोजगारी, जिसके तहत क्राइम बढ़ता है। आज वर्तमान सरकार की बात कर लूं तो इनके पास रोजगार देने के लिए आज से ना तो था ना है। सवाल पूछ लो जवाब नहीं मिलेंगे, पहले भी मैंने सवाल किया जवाब नहीं है। ठीक है मैडम, एक मिनट, आप बात ही काटे वैसे तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, चुनाव में शिक्षा मुद्दा बनना चाहिए, स्वास्थ्य मुद्दा बनना चाहिए, बिजली मुद्दा बनना चाहिए, विकास मुद्दा बनने पर ये क्या मुद्दा बना रहे हैं, जाति धर्म। आपकी पार्टी क्या मुद्दा, हमारी पार्टी सीधा सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से अच्छा बनाएगी, हॉस्पिटल में इलाज फ्री कराएगी, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये करके दिखाया, सब बोलने की बात है। और किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर किसी ने लागू किया तो दिल्ली सरकार ने लागू की है। सबसे पहले शहीद को 1 करोड़ रुपए कोई दे रहा है तो केजरीवाल दे रहा है, पूरे देश के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ शिक्षा को बर्ताव करने की बात कर रहे हैं। पिछत्तर के लिए और जवान के लिए आपके टाइम अप हो चुका है। अभी पिछत्तर पार का नारा क्या पांच विषय से लेंगे, अभी मुझसे प्रश्न पूछा गया कि 75 पार का आपको 75 सीट मिलेगी, आप 75 सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जनता को तय करना है, ये जनता को तय करना है, हम लोग को तय नहीं करना है। हमारी सरकार ये है कि
हमें किसानों का मुद्दा किसी ने उठाया, हमारा पहला जो मुद्दा होगा 80% हमारी जनसंख्या किसानों की है, उनके भले की बात करनी है, उनकी जमीनों की बात करनी है, उनकी फसल की बात करनी है, उनकी फसल जो आपकी मंडियों में पड़ी होती है उनको पैसा नहीं मिलते गन्ने की पेमेंट के लिए। यमुनानगर में किसान जो है यमुना के अंदर खड़े हुए थे, दिल्ली में बात करते हैं किसानों के सामने रिपोर्ट लागू कर दी है, वह आज भी किसान जो है अपने किले के अंदर जमीन के अंदर ट्यूबवेल नहीं लगा सकता है, उसकी परमिशन भी केजरीवाल ही देता है। मैडम जी हमारे मुद्दे है कि हमारी जो सरकार बनेगी पहला मुद्दा होगा हर युवा को एक घर में नौकरी पक्की होगी, उसके बाद किसान की जो भूमि कोई अधिग्रहण नहीं करेगा, तीसरा उसकी जो फसल वैल्यू होगी उस पर 1.5 गुना वैल्यू मिलेगी, उसका कर्ज मुक्त होगा और उसकी फसल का बीमा जो होगा उसका प्रीमियम जो है सरकार देगी। ये 5 मुद्दे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही वाजिब सवाल आप लोगों ने किए। मैडम जी मैं इसके लिए जरूर माफी मांगना चाहूंगी कि जवाब आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंचे, जिसका जवाब आने वाले चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और सोनीपत की सियासत का समीकरण किस तरह से वोट पर असर डालेगा और क्या बीजेपी 75 पार का जो नारा दे रही है अपने को साकार कर पाएगी, इसका जवाब जनता ही देगी आने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि जनता को आपने सुना, नेताओं को आपने सुना। लेकिन आशिमा ये कारवा जो है हमारा वो यही नहीं थमेगा, इसके साथ ही कई जगह जाएगा, 90 सीटें है हरियाणा में विधानसभा चुनाव की, तो 90 की 90 सीटों का रुख हम यहाँ पर करेंगे और हर एक सीट से हम आप तक सवाल पहुंचाएंगे जो जनता ने सीधे अपने प्रतिनिधि से करेंगे, अपने जनप्रतिनिधि से करेंगे। बिल्कुल, तो आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।